मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। Being kind to you is really being kind to me, for we are but individual parts of the same whole. नमस्ते, मैं श्रेयस बड़िए, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से लेक्चर नंबर 15 पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जो मुगल रूलर है, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक तरह से मुगल रूलर माने जाते हैं, वो है अकबर, उन पे डिस्कशन करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी, दिस इज माय फेसबुक पेज, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल। सो आप इस पिक्चर में जिन्हें देख सकते हैं, ये है अकबर। अकबर जो थे वो रूलर थे इंडिया के, इन्हें रियल फाउंडर भी कहा जाता है मुगल डायनेस्टी का। वैसे देखा गया तो जो फाउंडर थे वो तो बाबर थे, बट इन्हें रियल फाउंडर भी कहा जाता है अकबर का। अकबर के टाइम पे काफी एक तरह से मुगल रूल जो था वो काफी अच्छे से एस्टेब्लिश हुआ, काफी एक्सपांड हुआ। सो ये सब चीजें हमें देखने मिलेगी। सो सबसे पहले आइए इनके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। अकबर जो थे उनका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद हुआ करता था, उसके बाद उन्हें अकबर टाइटल दिया गया था। सो अकबर नाम से वो रूलर नाम जाने गए रूलर करके, बट उनका नाम जो था वो जलालुद्दीन मोहम्मद था। उसके साथ साथ 1556 से 1505 तक इन्होंने रूल किया। उसके पहले आप जानते हैं कि हुमायूं जो थे वो मुगल रूलर जो थे, हुमायूं वो रूल करते थे। हुमायूं जब इंडिया में वापस आते अपना रूल जो शुरू करते हैं, उसमें वो एक साल के भीतर ही उनकी डेथ हो जाती है। सो इसीलिए उनके जो बेटे थे उस वक्त एक सक्सेसर थे जो जिनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद। तो जलालुद्दीन जो थे उन्होंने एट द एज ऑफ 14 ही सक्सीडेड हिज फादर हुमायूं, और बाद में वही अकबर नाम के नाम से जाना जानने लगे। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ये इतने छोटे थे, 14 ईयर्स, तो ये माइनर थे, तो इनको इनका रूल इनको असिस्ट करने के लिए कोई होना था, कोई रीजेंट होना था। तो इनके रीजेंट जो बने वो थे बैरम खान। जैसे कि आप जानते हैं कि हुमायूं जो थे उनके आर्मी के हेड हुआ करते थे बैरम खान, और बैरम खान ने ये जो रूल था ये संभाला था ऑन बिहाफ ऑफ अकबर। 1556 से 1560 तक बैरम खान को रखा गया। 1556 से उन्होंने वो रीजेंट बने अकबर के, और 1560 में उन्हें अकबर ने रीजेंट करके उन्हें फिर रिटायर कर दिया गया, है ना। तो वो रीजेंट कब तक रहे, तो 1560 तक ही रहे अकबर के, जिनका नाम था बैरम खान। सो सबसे पहले हम जो भी पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट बैटल्स पढ़ लेते हैं जो अकबर ने लड़े थे, या फिर मुगल ने अकबर के टाइम पर लड़े थे। सो सबसे पहला जो बैटल हमको देखने मिलता है वो है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। जैसे आप देख सकते हो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो था वो बाबर ने लड़ा था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो था वो बैरम खान ने ऑन बिहाफ ऑफ अकबर लड़ा था, और यहाँ पे मुगल के तरफ से बैरम खान। सो यहाँ जो हेमू थे वो एक हिंदू जनरल हुआ करते थे मोहम्मद आदिल शाह के। मोहम्मद आदिल शाह के कोर्ट में ये हिंदू जनरल थे, ये आर्मी के जनरल थे हेमू, उन्होंने लड़ा था ये वॉर विथ बैरम खान, बैरम खान के साथ जो कि अकबर के तरफ से लड़ रहे थे, और इसमें जीत हुई बैरम खान की। जब बैरम खान की जीत हुई सो एक्सपांशन काफ़ी हो गया। अगर देखा गया तो बैरम खान के चलते अकबर के जो रूल था उसमें काफ़ी एक्सपांशन हुआ, काफ़ी डेवलपमेंट, काफ़ी बड़ा एक्सपांशन मिला था, क्योंकि बैरम खान काफ़ी सारी वॉर जो थे वो जीत रहे थे और एक्सपांशन काफ़ी अच्छा था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में इट वॉज वन बाय बैरम खान। सेकेंड जो हमें बैटल देखने मिलता है इंपॉर्टेंट वो है, वैसे बैटल तो काफ़ी लड़े बट हमें इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़ना है तो उसमें देखते हैं, तो ये है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो था वो 1576 में लड़ा गया था बिटवीन राणा प्रताप एंड मान सिंह। जो राणा प्रताप थे वो मेवाड़ के रूलर थे, वो सिसोडिया रूलर थे मेवाड़ के, और जो मान सिंह थे, मान सिंह की अगर हम बात करें तो ये मुगल आर्मी के तरफ से लड़ रहे थे, और ये थे जनरल उस वक्त आर्मी के जब यहाँ पे वॉर हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो मान सिंह फॉट ऑन बिहाफ ऑफ मुगल, और जो राणा प्रताप थे उनको यहाँ पे हरा दिया गया, यहाँ पे मुगल आर्मी जीत गई। तो राणा प्रताप का जो एरिया था वो भी अब मुगल के अंडर आ गया था। तो इस तरह से यहाँ पे रूल जो था उसको काफी एक्सपांशन मिल रहा था। काफी इंडिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको येल्लो येल्लो जो पार्ट दिख रहा है ये पूरा मुगल का पार्ट है। यहाँ पे आपको जो येल्लो दिख रहा है पूरा मुगल रूलर, मुगल एम्पायर है, काफी बड़ा आपको मुगल एम्पायर देखने मिल रहा है अकबर के टाइम पे। सो उसके बाद हम आगे आते हैं, हम देखते हैं कि इतने सारे बैटल्स जीते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि अकबर जो थे वो काफी सेक्युलर रूलर माने जाते हैं। रिलीजन को उन्होंने अलग किया था अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, या फिर वो हम कहेंगे पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग रखा था, और काफ़ी एक तरह से सेक्युलर थे सभी रिलीजन को। यहाँ पे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का मौका था अकबर के टाइम के, और अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर सेक्युलर होने के साथ साथ उन्होंने एक नया रिलीजन भी बनाया था, उसका नाम भी मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले हम देख लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द राजपूत रूलर्स जो थे रिकॉग्नाइज्ड हिज सुप्रीमेसी। सो काफ़ी सारे राजपूत रूलर्स के साथ उन्होंने अच्छे अलायंस बनाए थे, अच्छे रिलेशन बनाए थे, और इसके चलते यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि राजपूत रूलर्स जो है वो
एक तरह से इस देश का एम्परर करके अकबर को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। उसके साथ साथ सिर्फ अगर कुछ राजपूत रूलर्स छोड़ दिए, जैसे कि राणा प्रताप सिंह हो गए या फिर उनके बेटे हो गए अमर सिंह जो सिसोदिया रूलर थे राजपूत मेवाड़ के, और इनका जो कैपिटल हुआ करता था वो चित्तौड़गढ़ में हुआ करता था, अगर इनकी बात छोड़ दे तो बाकी राजपूत रूलर जो थे मेनली काफी सारे राजपूत रूलर या राजपूत रूलर्स जो वो सुप्रीम मान रहे थे अकबर को। अकबर जो है वो ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट थे सबसे ज्यादा, उन्हें कोई भी रिलीजन में ऑर्थोडॉक्सी नहीं पसंद थी, और वो जिस रिलीजन में थे उसमें भी उनको पसंद नहीं थी। यानी अगर हम देखेंगे तो इस्लाम में जो भी ऑर्थोडॉक्सी चल रही थी उसके चलते उन्होंने इस्लाम को छोड़ के एक नया रिलीजन लाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही ये 1581 में बनाया गया और काफी सेक्युलर सा रिलीजन था दीन ए इलाही की अगर हम बात करें तो। दीन ए इलाही में इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, जोरोएस्ट्रियन हो, क्रिश्चियनिटी हो, जैनिज्म हो, कोई भी जितने भी रिलीजन थे उस वक्त इंडिया में, बुद्धिज्म हो, सबसे अच्छे अच्छे वैल्यूज उठाए थे और उन सबको उठा के दीन ए इलाही में रखा गया था। तो दीन ए इलाही जो रिलीजन था इट वॉज सिंथेसिस ऑफ वैल्यूज, जो कि वैल्यूज थी इस्लाम की, हिंदुइज्म, जोरोएस्ट्रियन, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सभी इसके अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे दीन ए इलाही में उन्होंने रखी थी और ये नया एक रिलीजन बनाया था। इस रिलीजन के हिंदू फॉलोअर जो फर्स्ट बने वो थे बिरबल। बिरबल वॉज द फर्स्ट हिंदू फॉलोअर ऑफ दिस दीन ए इलाही रिलीजन, और अकबर का ये रिलीजन जो था ये काफी आगे तक फेमस नहीं हो पाया, बट काफी सेक्युलर सा और काफी अच्छा रिलीजन यहाँ पे पता चलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्यूरिंग हिज रीन द मुगल एम्पायर जो था ट्रिपल्ड इन साइज एंड वेल्थ, है ना, तो बहुत बड़ी साइज बन गई थी, बहुत एक्सपांशन था, आप देख रहे कहाँ तक एक्सपांड हो रहा है, ये बहुत बड़ा एक्सपांशन था, ट्रिपल हो चुका था अकबर के वक्त। और अगर हम ये भी देखते हैं कि वेल्थ भी काफी अच्छी थी, मैनेजमेंट काफी अच्छा था, इकोनॉमी काफी अच्छी थी, सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी। यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये जो पिक्चर है इसमें अकबर जो है वो एलिफेंट पे, ऐसा मानते हैं कि अकबर जो थे वो एलिफेंट को कंट्रोल करते, यानी मेनली ट्रेन करते थे, ऐसा कहा जाता है कंट्रोल या फिर ट्रेन करते थे। अकबर काफी ट्रेन करते थे अपने एलिफेंट्स को और एलिफेंट्स का यूज काफी होता भी था वॉर में, सो अकबर खुद ट्रेन करते थे, आपको पेंटिंग में देखने मिल रहे हैं। सो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी हमें पता चली, आगे और हम देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। अबॉलिश द जजिया, जजिया करके जो टैक्स लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी, बट जजिया जो है ये लगाया जाता था नॉन मुस्लिम्स पे, ये एक टैक्स जैसे कि हम पिलग्रिमेज टैक्स कह सकते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके साथ साथ ये तो हटा दिया, एबॉलिश कर दिया, बट जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको उन्होंने अपॉइंट भी किया, हाई सिविल एंड मिलिट्री पोस्ट भी उन्हें दी थी नॉन मुस्लिम्स को। तो ये काफी एक सेक्युलर रूलर तो थे, हमें तो ये तो पता ही है, तो काफी एक सभी रिलीजन के लिए बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रहे थे और काफी अच्छी अच्छे यहाँ पे पॉजिटिव चीजें होते हुए दिख रही थी। ही हैड संस्कृत लिटरेचर ट्रांसलेटेड, है ना, तो उन्होंने संस्कृत लिटरेचर को भी ट्रांसलेट किया था, इवन उन्होंने जो नेटिव फेस्टिवल थे उसमें भी वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते थे, उसको सेलिब्रेट किया जाता था, फॉर एग्जांपल दिवाली हो गया या जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल, नेटिव फेस्टिवल चल रहे हैं उनमें भी वो पार्टिसिपेशन दिखाते थे। उसके साथ साथ उस टाइम पे काफ़ी सारे दिन में ये भी करते थे अकबर की जब ये फेस्टिवल्स चल रहे हैं या फिर जो भी ऐसे दिन हैं जो कि रिलीजन से जुड़े हुए, हिंदुइज्म से जुड़े हुए, तो उसमें वो जो मीट है उसको भी उतने टाइम के लिए बैन रखते थे अपने जगह पे। तो ये सब अकबर किया करते थे, काफी सिक्युलर पता चलते हैं। रियलाइजिंग द स्टेबल एम्पायर, वो यही कहते थे अगर आपको एम्पायर स्टेबल बनाना है तो आपको कोऑपरेशन होना चाहिए सब्जेक्ट का, जितने भी आपके यहाँ पे अपनी आपकी प्रजा है वो सबका कोऑपरेशन आपको जब मिलेगा तो आपका जो एम्पायर होगा वो स्टेबल होगा। और सच में अकबर के टाइम पे काफी स्टेबल एम्पायर हमें देखने मिला था, सबको साथ में रखा था अकबर ने, सबको साथ में लेके चलते थे। ही गेव मुगल इंडिया वन ऑफिशियल लैंग्वेज दैट इज पर्शियन, ये याद रखिएगा, पर्शियन ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी उस वक्त मुगल को मिली थी और आगे फिर मुगल के में पर्शियन लैंग्वेज यूज हुई। उसके साथ साथ एक सूफी सेंट थे जिनका नाम था सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती जो थे वो सूफी सेंट थे, इनका वहां पे दरगाह बनाई गई है फतेहपुर सिकरी में, है ना, तो फतेहपुर सिकरी में इनकी दरगाह है जो हमें देखने मिल रहे हैं सलीम चिश्ती। उनके सलीम चिश्ती के बहुत बड़े फॉलोअर थे, ऐसा कहा जाता है कि अकबर को जब बेटा नहीं हो रहा था सो उन्होंने यहाँ पे सलीम चिश्ती के पास जाके एक ये मांगा था कि उन्हें बेटा हो जाए, और उन्हें बेटा हुआ था, इसीलिए उनका नाम उन्होंने सलीम रखा था अपने बेटे का नाम, बाद में जो जहांगीर कहलाए, पर सलीम चिश्ती के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा गया था, जो कि आपको पता है बाद में फिर जो रूलर बनते हैं तो वो बन जाते हैं जहांगीर। उसके बाद आपको ये बता दूं कि ही बिल्ड द फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी एक नया शहर उन्होंने बनाया था, काफी एक बहुत बढ़िया आपको शहर देखने मिलता है, कभी अगर आप फतेहपुर सिकरी जाओ तो आप देखोगे कि कितने अच्छे अच्छे पैलेसेस बनाए गए फतेहपुर सिकरी में, क्वींस के लिए पैलेसेस है, उसके साथ साथ बुलंद दरवाजा है, सलीम चिश्ती की दरगाह है, ये सब हमें फतेहपुर सिकरी में देखने मिलता है। फतेहपुर सिकरी जो है ये अकबर का एक नया कैपिटल बन गया था। उन्होंने आगरा फोर्ट भी बनाया था, आगरा फोर्ट को बनाने की शुरुआत उन्होंने की थी, उसके साथ साथ बाद में वो आगे कंप्लीट किया गया बाकी जो रूलर्स हैं उनके द्वारा, बट इसकी शुरुआत उन्होंने की थी, है ना। तो लाहौर में भी उन्होंने फोर्ट बनाया, हुमायूं टूम बनाया था, हुमायूं का यानी उनके पिता का जो टूम है वो भी बनाया गया था।
ये जो हुमायूं का टूम बनाया था उन्होंने, ये दिल्ली में बनाया है। ओके, सो दिल्ली में आपको देखने मिलेगा हुमायूं टूम, ये हो गया। उसके साथ साथ ही ऑल्सो बिल्ट इबादत खाना, इबादत खाना उन्होंने बनाया था। इस पर यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया है, इबादत खाना किस चीज़ के लिए हुआ करता था। इबादत खाना यानी आप देखोगे तो वर्शिप के लिए। और उसके अलावा अकबर ने इसका एक नई चीज़ इसमें लाई थी, जो कि थी कि कुछ स्पिरिचुअलिटी के मैसेज, जो भी मैटर्स है वो डिस्कस करने के लिए। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के जो आते थे, जिन्हें हम आध्यात्मिक गुरु या फिर जो भी हम कहेंगे, जो मिस्टिक्स हो गए, थियोलॉजियंस हो गए, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल लोग हो गए उस रिलीजन के, उन सबके साथ यहाँ पे जो भी रिलीजन मैटर्स है उस पर डिस्कशन किया करते थे, मैटर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी पर डिस्कशन किया करते थे इबादत खाना में। अच्छे से याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बनाती है या कोई भी एग्जाम में ही आ सकते हैं। इन 1605 हमें देखने मिलता है कि अकबर डाइड, अकबर की डेथ हो गई। ये अभी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, उनको कोई बीमारी हुई थी, बट काफी सारे जगह पे लिखा है कि उन्हें डिसेंट्री का प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण वो रुक नहीं पाया वो प्रॉब्लम, और कुछ दिन बाद इनकी डेथ हो गई, है ना। सो यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है, अकबर के कुछ 22-25 दिन तक वो बीमार थे, उसके बाद उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उनको जो सिकंदरा नाम की जो जगह है आगरा में, वहाँ पे उन्हें दफनाया गया, उनका वहाँ मकबरा बनाया गया। तो सिकंदरा में आपको अकबर की टूम देखने मिलती है आगरा के पास। सो यहाँ पे हमें अकबर के बारे में इतनी चीज़ें पता चली। और भी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि नवरत्न। अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, नवरत्न यानी 9 ज्वेल्स। ये जो 9 लोग थे, ये नवरत्न, ये काफ़ी खास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे अकबर के कोर्ट में। सो ये 9 लोग कौन थे? तो सबसे पहला नाम आता है बीरबल का। बीरबल जो थे ये एक एडमिनिस्ट्रेटर थे, जैसे कि हमें पता है। अबुल फजल जो थे ये स्कॉलर और स्टेट्समैन थे। स्टेट्समैन यानी हम ये कह सकते हैं कि स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड या फिर पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे उन वक्त अबुल फजल। उसके साथ साथ फैजी जो थे ये भी स्कॉलर और स्टेट्समैन हुआ करते थे। टोडरमल जो थे ये फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे अकबर के वक्त, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर। भगवान दास जो थे ये मनसबदार थे। मनसबदार की अगर हम बात करें तो जो पूरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था उसे मनसबदारी कहते थे, और उसके हेड जो थे वो मनसबदार कहलाते थे। तो भगवान दास जो थे ये मनसबदार थे। मानसिंह जो थे ये भी मनसबदार थे, है ना, एक तरह से हम देखते हैं तो, क्योंकि आप देख रहे कि मानसिंह ने भी एक लड़ाई लड़ी थी जिसका नाम था बैटल ऑफ हल्दीघाटी। तो ये मनसबदार थे, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इनके अंडर आता था और कुछ इनके अंडर भी आता था, तो यहाँ बांटे जाते थे अलग अलग चीज़ों को। और तीसरे और सातवें जो हमें देखने मिल रहे वो है तानसेन। तानसेन की अगर बात करें तो तानसेन को तो सभी जानते हैं। तानसेन एक म्यूजिशियन हुआ करते थे इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर आर्ट को या फिर लिटरेचर को काफ़ी एक वैल्यू दिया करते थे। आर्ट काफ़ी डेवलप भी हुआ था अकबर के टाइम पे। सो ये सब चीज़ें थी कि वो म्यूजिशियन भी उनके कोर्ट में नवरत्न में से एक हुआ करते थे। अब्दुल रहीम खाने खाना करके एक और हमें नवरत्न में से एक देखने मिलते हैं, आठवें जो है वो, एट्थ, वो थे स्टेट्समैन और हिंदी पोएट, है ना। तो ये भी एक तरह से पॉलिटिकल लीडर कहेंगे, एक्सपीरियंस स्किल पर्सन या फिर हिंदी पोएट भी थे ये। हिंदी में पोएम्स लिखा करते थे अब्दुल रहीम खाने खाना। और आखिरी जो हमें देखने मिलते हैं वो है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा एडवाइजर थे अकबर के कोर्ट में, है ना, तो एडवाइस लिया करते थे अकबर इनसे, मुल्ला दो प्याजा से। तो इस तरह के 9 रत्न 9 ज्वेल्स हुआ करते थे अकबर के कोर्ट में, जो कि 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे, उन्हें कहा जाता है नौ रत्न। नौ रत्न के बाद जब हम नेक्स्ट देखते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेशन। अगर अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता दो, ऐसे आपको ये भी बता दो कि मुगल का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन हम एक वीडियो सेपरेट बना के उसमें पढ़ने वाले हैं, बट अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन जानना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि अकबर ने कुछ कुछ चीज़ें में चेंजेस किए थे, कुछ कुछ बदलाव लाए थे। जैसे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अकबर का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था जहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उसके हेड वजीर हुआ करते थे। सेकेंड हम देखेंगे तो हेड ऑफ मिलिट्री, जो मिलिट्री हुआ करती थी उसके जो हेड थे उनका नाम, उनको मीर बख्शी कहा जाता था, उस पोस्ट को मीर बख्शी कहा जाता था, हेड ऑफ मिलिट्री। हाउसहोल्ड या फिर हैरम्स हो गए, हैरम हुआ करते थे अकबर के टाइम पे, हैरम में क्वींस को रखा करते थे अकबर, या फिर हाउसहोल्ड जो थे जितने भी, उस सब के हेड, या फिर हम कहेंगे कि रॉयल जो भी बॉडी गार्ड्स थे उन सबको संभालने के लिए मीर सामान करके थे। मीर सामान जो है ये हाउसहोल्ड और हैरम्स और बाकी चीज़ें भी यहाँ देखा करते थे। जुडिशियरी के जो हेड थे उन्हें काजी कहा जाता था, और टैक्सेशन जो सिस्टम था उसे दह साला सिस्टम कहा जाता है। दह साला यानी 10 ईयर्स, दह साला यानी 10 ईयर्स, दह यानी 10 और साला मीन्स ईयर। तो यहाँ पे जो वैसे देखा गया तो 1/3 ज़्यादातर यहाँ पे टैक्स लिया करते थे अकबर, गवर्नमेंट का हिस्सा होता था 1/3 हिस्सों में से। उसके साथ साथ ये 10 ईयर्स के लिए फिक्स किया जाता था, इसीलिए इसे 10 साला सिस्टम कहा जाता है। तो आपको इनका टैक्सेशन वाला सिस्टम भी पता चल गया। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को मनसबदारी कहा जाता था, और इसके जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो संभालते थे उन्हें मनसबदार कहा जाता है। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन यानी मनसबदारी, और हमने 9 रत्न में से देखे थे, 2 आपको मनसबदार देखने मिले, भगवान दास और मानसिंह। इसका मीनिंग ये नहीं कि सिर्फ 2 ही मनसबदार थे, काफ़ी सारे मनसबदार हुआ करते थे, बट यहाँ जो हमने देखे 9
स्पेशल यानी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो काफी सारे मनसबदार भी रहेंगे। आर्मी काफी बड़ी थी अकबर की, तो अकबर का ये जो सिस्टम था 10 साल सिस्टम भी, ये भी काफी इफेक्टिव माना गया, उनका मनसबदारी भी काफी इफेक्टिव माना गया। अकबर के वक्त जो रूल चला वो काफी इफेक्टिव, काफी सेक्युलर सा, और सभी सेक्शंस के लिए या फिर सभी कम्युनिटीज के लिए बहुत अच्छा रूल माना जाता है अकबर का। और अकबर एक सेक्युलर रूलर माने जाते हैं जिन्होंने दीन ए इलाही नाम का रिलीजन यहाँ पे लाया था। इस तरह से अकबर जो थे उन्होंने रूल किया और ये मुगल एम्पायर के थर्ड रूलर बनते हैं। इसके बाद हम जिन्हें स्टडी करने वाले हैं वो है इनके बेटे जहांगीर। तो अगले लेक्चर में हम जहांगीर के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे यूट्यूब चैनल को। फॉलो और लाइक कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेजेस को श्रेयस बड़े इंटरप्रिटेशन। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो श्रेयस बड़े द पीस लोरी मेरा इंस्टाग्राम आईडी श्रेयस बड़े@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।